नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। सिल्क टीवी परिवार की ओर से तमाम सिल्क टीवी के दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राखी का त्योहार, भाइयों ने बहन की रक्षा करने का लिया संकल्प। कई महीने से फरार कुख्यात अपराधी मन्नू यादव एवं रुपेश यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे, कारतूस एवं कट्टे हुए बरामद। रक्षाबंधन के अवसर पर एसएसपी आशीष भारती ने कोरोना से बचाव को लेकर चलाया अभियान, महिला पुलिस कर्मियों के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर का किया वितरण। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर भागलपुर में बनेगी फिल्म सिटी, शिलान्यास के लिए दिया जा चुका है 15 एकड़ जमीन। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कोरोना संक्रमण बचाव दल का किया उद्घाटन, जरूरतमंदों को मिलेगी निःशुल्क हवाई सेवा। अब समाचार विस्तार से। भाई बहन के प्यार और समर्पण के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार रक्षाबंधन सोमवार को देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भागलपुर में रक्षाबंधन को लेकर काफी उत्साह का माहौल देखा गया। बहनें जहां भाई को राखी बांधने के लिए उत्सुक दिखी, वहीं राखी से सजी कलाइयों से भाई भी काफी उत्साहित दिखे। खासकर छोटे बच्चे रक्षाबंधन और उपहार को लेकर काफी खुश दिखाई दिए। कोरोना महामारी और लॉकडाउन होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करते हुए बड़ों के साथ बच्चों ने भी रक्षा का पर्व मनाया। हालांकि लॉकडाउन को लेकर इस वर्ष बाजारों में राखी की दुकान काफी कम संख्या में लगाई गई, जिससे घर में तैयार किए गए रंग बिरंगे राखी बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधे। इसके अलावा मिठाई, कपड़े और गिफ्ट शॉप पर लोगों की भीड़ दिखी, जहां लोगों ने खरीदारी की। इस दौरान भाइयों ने उपहार देकर बहन की रक्षा का संकल्प लिया, जबकि बहनों ने ईश्वर से हमेशा भाई की रक्षा की कामना की। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का कुख्यात अपराधी मन्नू यादव एवं नूरपुर के रुपेश यादव को नाथनगर, ललमटिया एवं मधुसूदनपुर थाना की पुलिस ने रविवार को मंसर इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने मन्नू के पास से एक देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई महीने से मन्नू की तलाश कर रही थी। हाल के दिनों में लॉकडाउन के कारण वह अपने घर राघोपुर टीकर में रहा था एवं रोजाना नाथनगर मुख्य बाजार के व्यवसायियों को तंग कर हफ्ता वसूल रहा था। नाथनगर के व्यवसायी मन्नू से खौफजदा थे और मन्नू के आतंक से भयभीत व्यवसायी पुलिस के सामने आकर इसकी शिकायत करने से परहेज करते थे। वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देशानुसार नाथनगर, ललमटिया और मधुसूदनपुर पुलिस ने संयुक्त प्रयास कर आरोपी मन्नू को मंसर से खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तारी की खबर मिलते ही नाथनगर के व्यवसायियों ने राहत की सांस ली और खुशी जताई। सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने नाथनगर थाना पहुंचकर अपराधी मन्नू यादव से पूछताछ किया। सिटी डीएसपी ने कहा कि बदमाश मन्नू यादव पर मधुसूदनपुर एवं ललमटिया थाने में एक दर्जन से अधिक लूट, हत्या, डकैती, छिनतई, रंगदारी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। सोमवार को कोर्ट में पेशी के बाद गिरफ्तार मन्नू को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। रुपेश यादव और मन्नू यादव, ये मन्नू यादव कुख्यात अपराधी है और ये पहले भी बाजार से रंगदारी वगैरह वसूला और 2018 में इसने अपने भाई की हत्या कर दिया था गोली मार करके, और इसी का दोस्त है रुपेश यादव, ये भी बम चलाने में गिरफ्तार हुआ था, ये भी जेल से छुटकाया। तो आज गुप्त सूचना मिली थी थानाध्यक्ष मधुसूदनपुर और ललमटिया को कि एक मोटरसाइकिल से ये लोग घूमते हुए देखे गए हैं दिग्घी की तरफ। इस सूचना हमको प्राप्त हुई, इन्होंने बताया और हम लोगों ने इंस्पेक्टर सजाद हुसैन, ललमटिया और मधुसूदनपुर जिसको घेरा गया, तो उस दिग्घी बगीचा के पास दो लोग पकड़े गए और दो लोग भागने में सफल रहे। एक के पास से एक देसी पिस्तौल और गोली मिला है, बाकी दो भागने में सफल। आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए निश्चित रूप से, ये तो जब बाहर रहता है हम लोग बहुत आशंकित थे और हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक का बहुत स्पष्ट आदेश था थानाध्यक्ष को, हम सभी लोगों को, इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आप सभी अवगत होंगे कि ये बराबर गुलदार पट्टी में, नाथनगर में, हर जगह रंगदारी के लिए हिंसा करता था। रक्षाबंधन के मौके पर सोमवार को भागलपुर पुलिस ने कोरोना के कहर को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। जिला पुलिस कप्तान आशीष भारती ने पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राखी के बंधन को निभाना, मास्क और सैनिटाइजर लगाना अभियान की शुरुआत की। वहीं एसएसपी आशीष भारती, सीटीएसपी एसके सरोज एवं सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने महिला पुलिस कर्मियों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, फेस कवर, होम्योपैथिक दवा समेत कई प्रकार के रक्षा कवच का वितरण किया।
वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूरा विश्व अभी कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, इसीलिए भागलपुर पुलिस ने कोरोना से सुरक्षा के लिए रक्षाबंधन के मौके पर भाई बहनों को सुरक्षा किट उपहार स्वरूप दिया है। भागलपुर पुलिस के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के से रोकथाम भी हो और जो रक्षाबंधन का पर्व है उसके माध्यम से प्रचार प्रसार कैसे उससे रोकथाम हो सकता है उसके साथ उसके संबंध में किया जाए, इसीलिए एक मुहिम चलाई गई है जिसमें आमजनों से यह निवेदन किया गया है कि वो आज जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसमें राखी और मिठाई के साथ मास्क और सैनिटाइजर को भी उपहार स्वरूप दें। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा अपने स्तर से भी आम नागरिकों को विशेष करके महिलाओं को मास्क और सैनिटाइजर बांटा जा रहा है ताकि उनकी कोरोना वायरस से रक्षा हो सके। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पुलिस जिस प्रकार से एक भाई अपनी बहन को रक्षा के का वचन देता है रक्षाबंधन, उसी तरीके से पुलिस भी आम नागरिकों की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहती है और वचनबद्ध रहती है। और भागलपुर पुलिस अब सभी भागलपुर वासियों की रक्षा के लिए हमेशा से तत्पर है और आज के जो आज जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है उसके माध्यम से यह भी संदेश दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसी प्रकार से अच्छे प्रकार से आपकी रक्षा करती रहेगी। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रहस्य को दबाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत के प्रशंसक सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी के शिलान्यास के लिए 15 एकड़ जमीन सुल्तानगंज में दे चुके हैं। ये बातें सोमवार को भागलपुर में भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद अरुण कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताई। अरुण कुमार ने बताया कि धर्मनगरी सुल्तानगंज में उत्तर पूर्व भारत की पहली सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी का शिलान्यास जल्द ही कर लिया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुशांत की मौत पर हो रही राजनीति और सरकार द्वारा कराए जा रहे जांच पर कई सवाल खड़े किए। वहीं पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने सुशांत सिंह राजपूत हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। मौके पर राष्ट्रीय युवा महासचिव रोशन सिंह राठौर, विद्यासागर मंडल समेत सब लोग पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। विश्व में तेजी से फैल रही महामारी की रोकथाम के लिए रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कोरोना संक्रमण बचाव दल का शुभारंभ किया। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम समेत कई लोगों ने भाग लिया। इस दौरान भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे ने कहा कि भागलपुर में कोरोना संक्रमण बचाव दल का गठन होने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। अरिजीत ने बताया कि कोरोना के विरुद्ध जंग में केंद्र सरकार बिहार सरकार के साथ है। वहीं कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर चंदन ठाकुर ने बताया कि कोविड 19 रिस्पांस केयर टीम कोरोना पीड़ित मरीजों को 2400 घंटे स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न उपकरण एवं चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगी। चंदन ने बताया कि कोरोना संक्रमण बचाव दल के द्वारा जिले भर के जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क हवाई सेवा भी मुहैया कराया जाएगा। हम आपको बता दें कि इसके पूर्व भी भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे ने कोरोना मरीजों की सहायता के लिए राधा रानी सिन्हा रोड स्थित अपने आवास में जिले भर के लोगों के लिए परामर्श सह कॉल सेंटर खोल रखा है। लोगों ने कुछ कुछ एम्बुलेंस वाले को भी कंसर्निंग किया है कि एम्बुलेंस यहाँ पर आ जाए, ताकि उससे क्या होगा कि जैसे किसी पेशेंट को दिक्कत होती है वो मुझे फोन करेगा, हम एम्बुलेंस वाले को कंसल्ट करके और एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा देंगे। और अरिजीत जी का एक प्रयास और जारी है कि अगर अत्यंत इमरजेंसी का कंडीशन आ जाता है तो उस कंडीशन में एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। एयर एम्बुलेंस आएगा, उसका जो शुल्क निर्धारित होता है वो शुल्क के तौर पर दिया जाएगा, और जिसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है ये प्रयास किया जाएगा कि उन गरीब व्यक्ति को अगर ऐसी जरूरत पड़ जाए तो हवाई सेवा भी उन गरीबों तक, उन निर्धनों तक मुफ्त में निःशुल्क पहुंचा जाए। यही कार्यक्रम है हम लोगों का, आज विधिवत उद्घाटन है। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी आज विधिवत वर्चुअल रैली के माध्यम से इसका इनॉग्रेशन करेंगे और कल से विधिवत ढंग से इस चीज को भागलपुर वासियों के लिए आपकी सेवाओं में अरिजीत शाश्वत चौबे जी के अध्यक्षता में इसको पारित कर दिया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवगछिया में महिला के साथ किए गए दुष्कर्म एवं हत्या के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर भाकपा माले ने नवगछिया पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाकपा माले ने रंगरा प्रखंड में तिनटंगा दियारा के झल्लू दास टोला, क्रांति कुंज, ज्ञानी दास टोला, बिंद टोली समेत कई स्थानों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं, नेताओं एवं पार्टी समर्थकों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और नीतीश एवं भाजपा सरकार में बेटियों एवं महिलाओं के साथ बढ़ते यौन अपराध एवं बर्बर हिंसा के खिलाफ आक्रोश जताया। आक्रोशित लोगों ने रंगरा थाना अध्यक्ष समेत मामले की जांच कर रहे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य सह रंगरा प्रखंड प्रभारी पुरुषोत्तम दास ने कहा कि राजग की सरकार में सत्ता संरक्षित अपराधियों का तांडव जारी है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन हत्यारों, बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी है और एकता कुमारी की विभत्स हत्या एवं संभावित दुष्कर्म के लिए सीधे तौर पर रंगरा थाना प्रभारी एवं नवगछिया डीएसपी जिम्मेदार हैं। साथ ही कहा कि नीतीश सरकार बताए कि एकता की अर्धनंग एवं सिरकटी लाश मिलने के बाद पिछले 18 दिनों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? आखिर किसके इशारे पर पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है? बांका के फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र केंदुआर पेट्रोल पंप के समीप खेत में लावारिश अवस्था में कीचड़ में फंसा एक चार चक्का वाहन बरामद हुआ है। वाहन के साथ जख्मी हालत में चालक भी मिला। बताया जा रहा है कि सुबह स्थानीय लोगों को देखकर चालक ने आवाज लगाई और पास बुलाया और इलाज कराने की गुहार लगाई। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी फुल्लीडुमर पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने जख्मी को तुरंत इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया, जहां से बेहतर इलाज के लिए घायल को भागलपुर रेफर कर दिया गया। इधर पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। चालक ने अपना परिचय शंभूगंज पतवारा गांव निवासी बुद्धदेव सिंह के पुत्र आशीष कुमार के रूप में दी है, जिसके बाद घायल के पिता को घटना की सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने कहा कि चालक के ठीक होने पर बयान दर्ज कर पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मामले को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि जख्मी के पास से अपराधियों ने 1,00,000 रुपए एवं 50,000 से अधिक का सामान भी छीन लिया है, जबकि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कोरोना संक्रमण के कारण एक माह तक बंद रहने के बाद तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय 4 अगस्त से नियमित रूप से खुल जाएगा। यूनिवर्सिटी खुलने का नोटिस रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने जारी कर दिया है। वहीं विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि फिलहाल प्रशासनिक भवन और इससे जुड़ी इकाइयां समेत पीजी विभाग एवं कॉलेज खुलेंगे, लेकिन क्लासरूम टीचिंग बंद रहेगा। पीआरओ ने कहा कि कोरोना के कारण 50% कर्मचारी ही ड्यूटी पर आएंगे। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि यह निर्देश 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। पीरपैंती थाना क्षेत्र शेरमारी चौक पर पीरपैंती थाना अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में रक्षाबंधन के अवसर पर राहगीरों के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। बहन भाई को सुरक्षित राखी बांध सके, इसको लेकर पीरपैंती पुलिस ने यह पहल की। वहीं थाना अध्यक्ष ने भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कहा कि इस महामारी की समस्या में घर से बाहर निकलने से पहले मास्क सैनिटाइजर अवश्य अपने साथ रखें। इस मौके पर एएसआई नीलमणि कुमार, चंद्रशेखर सहनी सहित अन्य पुलिस बल उपस्थित थे। वहीं संजीव कुमार, अशोक सम्राट, विनोद पांडे, चंदन पांडे सहित कई समाज सेवियों एवं जनप्रतिनिधियों ने थानाध्यक्ष द्वारा किए गए इस प्रयास का आभार व्यक्त किया। बांका के फुल्लीडुमर प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह पर पीएचसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। डॉक्टर राकेश ने पत्र के माध्यम से कहा कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को जब कोविड-19 की जांच आवेदन देने गए तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के द्वारा आवेदन फाड़कर फेंक दिया गया और बदसुलिकी भी की गई। साथ ही कहा कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ओपीडी ड्यूटी नहीं करते हैं और ना ही नाइट ड्यूटी करते हैं। संस्थान देर से आना और जल्दी चले जाना एवं संस्थान में इनकी मनमानी चलती है। एक बार हम आईडी प्रूफ बनाने के लिए दिए तो ऐसे करके फेंक दिए, दस्तखत नहीं किए। और बराबर उसी तरह का किया करते हैं। और एक बीच में फिर हम डिप्टेशन के लिए बारहाट के लिए दिए, भी फेंक फाक दिए। आज मैं गया कि कोविड के लिए कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सो हम मेरा जाँच कर लिया जाए, मैनेजर को दिए। तो हम जैसे दिए उसको फाड़ करके और डस्टबिन में डाल दीजिए। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राखी का त्योहार, भाइयों ने बहन की रक्षा करने का लिया संकल्प। कई महीने से फरार कुख्यात अपराधी मन्नू यादव एवं रुपेश यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे, कारतूस एवं कट्टे हुए बरामद।
रक्षाबंधन के अवसर पर एसएसपी आशीष भारती ने कोरोना से बचाव को लेकर चलाया अभियान। महिला पुलिस कर्मियों के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर का किया वितरण। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर भागलपुर में बनेगी फिल्म सिटी। शिलान्यास के लिए दिया जा चुका है 15 एकड़ जमीन। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कोरोना संक्रमण बचाव दल का किया उद्घाटन। जरूरतमंदों को मिलेगी निःशुल्क हवाई सेवा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।